सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं हीरो ऑफ नेफा के द्वार पे। अगर आप नहीं जानते हीरो ऑफ नेफा कौन है तो आपको मैं बता दूँ, जसवंत सिंह रावत थे एक, जिन्होंने अकेले 72 घंटों तक चीनी सैनिकों को मारा था। अकेले 300 चीनी सैनिक मार दिए थे उन्होंने। उनके साथ दो अरुणाचल प्रदेश की लड़कियाँ भी थी जो कि नूरांग डिस्ट्रिक्ट की थी, जिनका नाम था नूरा और शैला। तो यहाँ पे हल जोता जा रहा है, वो सामने बैल हल जोता जा रहा है यहाँ पे खेत में। जसवंत सिंह रावत के ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है 72 आवर्स, अ मैटर हु नेवर डाइज, क्योंकि उन्होंने 72 आवर्स तक लगभग 300 सैनिकों को अकेले मारा था। और उनका गांव हमारे गांव से बहुत पास पड़ता है, जैसे कि आप वो सामने देख सकते हो, वो सामने जसवंत सिंह रावत का गाँव है। इस गाँव का नाम है बाड़ियू और ये भी बेरोखाल ब्लॉक में ही पड़ता है। तो नीचे दुनाव में हीरो ऑफ नेफा का द्वार है और उनकी स्मारक भी लगी हुई है। तो अब चलते हैं और आपको मैं नीचे मिलता हूँ। स्टे इन द व्लॉग। तो हम पंदेरे पे पहुँच गए हैं। मैंने आपको अपनी पहली व्लॉग में भी दिखाया था, यहाँ पानी पहाड़ से आता है, ऊपर कहीं पहाड़ से आता है यहाँ पे पानी, 24/7 यहाँ पानी बहता है। और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। जो आप सामने पानी देख सकते हो जो गिर रहा है, ये पानी डैम से आ रहा है। और डैम यहाँ नहीं है, डैम तो काफ़ी आगे की तरफ है, ये तो बस एक डैम का टर्मिनल है। और हम नदी के पास भी पहुँच चुके हैं। तो ये है नदी और आप जैसे देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ़ है यहाँ का, बिल्कुल साफ़। आप नीचे के देख सकते हो, नीचे पत्थर उत्थर सब दिख रहे हैं, बिल्कुल साफ़ पानी है। और ये रहा हमारा पुल। हम जसवंत सिंह रावत के मेमोरियल पर पहुंच चुके हैं, स्मारक पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है जसवंत सिंह रावत का स्मारक, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। बाकी तो आप पढ़ ही सकते हैं, हीरो ऑफ नेफा का द्वार, महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत। और आज भी जब आज भी प्लेज करवाने के लिए जो सैनिक होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। आप जैसे देख सकते हैं हीरो ऑफ नेफा बोला जाता है जसवंत सिंह रावत को। तो ये बात है 1962 के इंडी चाइना वॉर की, जब 4th बटालियन जो थी गढ़वाल राइफल्स की, वो नूरांग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद थी और जो चाइनीज़ फ़ौज थी वो भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश में आना चाह रही थी। और चीनी सैनिकों की फ़ौज ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए जो 4th बटालियन थी गढ़वाल राइफल की उनको वापस बुला लिया गया। और जसवंत सिंह रावत और उनके दो और साथी गए नहीं, तो उनके दो साथियों की मृत्यु हो गई थी लड़ाई के दौरान। उसके बाद जसवंत सिंह रावत ने वहाँ पे पोस्ट तैयार करी, फायरिंग पोस्ट, दो लड़कियाँ नूरा और शैला के साथ मिलकर, और 72 घंटों तक अकेले फायरिंग करी जगह बदल बदल के। तो चीनी सैनिकों को लग रहा था कि वो काफ़ी सारे आदमी। जैसा कि आप देख सकते हो, ये सामने झरना है जो कि नेचुरल झरना नहीं है, लेकिन ये डैम के पानी जो वहाँ उस पाइप से गिर रहा है, वो जो वहाँ पाइप है ब्लू ब्लू सा, वो डैम पानी गिरा रहा है, उसकी वजह से झरना बना है और ये बहुत सुंदर व्यू दे रहा है। तो ये देखो कितना सुंदर व्यू दे रहा है झरना। अब मैं वापस दुनाव की तरफ जा रहा हूँ।